नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज मैं मौजूद हूं बोरिंग रोड आनंदपुरी, एक एरिया है जहां माता रानी की मंदिर है। वहां एक पंडाल लगा है, जिस पंडाल को आपका नज़ारा मैं दिखाऊंगा वो अद्वितीय और अद्भुत दिखेगा। अद्भुत क्या है मैं बता दूं कि 10,000 ऐसे घरे हैं, उस घरे से ये पंडाल बना है। मैं दिखाना चाहूंगा, आप ऊपर से देख सकते हैं कि देखिए कि इस जगह एक सर्कल किया हुआ है और सर्कल के साथ एक खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक। चूँकि ये मंदिर आनंदपुरी में स्थित है और इस जगह तकरीबन वर्षों से ये सारी पारंपरिक विधि से यहाँ पूजा की व्यवस्था चलती है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ से तकरीबन 500 से 700 मीटर दूर है बोरिंग कैनाल रोड, वहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर है। इतनी लंबी जो ये रोड है उस पर ये पूरा का पूरा घरा लगा हुआ है, जिसमें छिद्र किया हुआ है, उसमें लाइटें लगी हुई है। 10,000 घरा, मतलब ये कह सकते हैं कि एक इको फ्रेंडली बनाने का ये इन्होंने काम किया है। हमारे साथ पूजा समिति के सदस्य हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष हुआ। हर्ष जी, आप आनंदपुरी में, मुझे लगता है आपके पिताजी भी इस पर्व को करते आ रहे होंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट चौथा जनरेशन है जो अभी इस पूजा को टेकअप किया है, आगे लेके जा रहा है। 2024 में कुछ नया तरीका आप लोगों ने अपनाया है। हर साल हम लोग का टीम जो है बैठ के एक थीम डिसाइड करता है, तो इस साल हमारा थीम था माटी के लाल, तो मिट्टी से रिलेटेड है। तो हमने पूरा मटकों से पूरा पंडाल जो है सजाने का डिसीजन लिया था। हम बात करेंगे आपसे, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा ये आनंदपुरी का एरिया। और यहाँ देखिए, माता जी की अभी पूजा चल रही है, चूँकि अभी भोग प्रसाद आरती ये सारा चीज़ हुआ है और हम इन आयोजक मंडली से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी आरती चल रही है और यही वो स्थल है, मैं दिखाना चाहूँगा, यही वो मंदिर है जहाँ की आप देख सकते हैं कि अभी तो पट खुला नहीं है, पट खुलेगा कल, और इसी पट के अंदर माता जी हैं। और माता जी आनंदपुरी एरिया में जो ये माता जी की प्रतिमा आज लगी है, वो प्रतिमा बिल्कुल इको फ्रेंडली है। उसमें जो थीम है, इसकी तस्वीर मैं कल भी दिखाऊंगा आपको, उसमें जो थीम है वो बिल्कुल कुम्हार मिट्टी, इनसे जुड़े हुए इसमें उसकी थीम है। हम यहाँ कुछ भक्त हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कितने दिनों से यहाँ चल रही है ये जो पूजा चलता है यहाँ। बोलो तरीके से कितने दिनों से आप इसी मोहल्ले के हैं जी? कैसा यहाँ की भव्यता कैसी रहती है? बहुत अच्छा रहता है। आप कितने दिनों से यहाँ आते हैं? मैं बहुत दिनों से आ रही हूँ, अभी तो मैं 9 दिन से रोज आ रही हूँ जी। बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। आप भी बाबू यहीं की हो? यहाँ तो आती होगी दुर्गा पूजा में? हाँ, आते हैं हर साल आते हैं। कैसा लगता है और साल की अपेक्षा इस बार की सजावट? इस बार ज्यादा सजावट है, अच्छा लग रहा है इस बार। बहुत अच्छा इस साल है। खास है यहाँ? खास है वो जो सजावट है ऊपर का, वही। देखिए, यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि बहुत खास है, और उस खासियत में हम जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि यहीं के हैं सर, आप कहाँ से आए हैं? यहीं पे, यहीं के बाशिंदे हैं लेकिन तो बाहर रहते हैं। यहाँ माता रानी की हर साल लगती है, और साल में और इस साल में कुछ डिफरेंट लग रहा है? मैं पहली बार काफ़ी सालों के बाद आया हूँ यहाँ। हाँ जी, इस जगह पे। अच्छा, यहाँ देखिए, मटके से चीज़ें बनी हुई है, मटके से सजावट की हुई है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि क्या संदेश देता है?
हर बार सुना है कि कुछ नया डेकोरेशन करते हैं, इस बार नया है, बस नया है मटके से। मुझे लगता है कि इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लाइट तो इको फ्रेंडली नहीं है ना। लाइट इको फ्रेंडली नहीं है इसलिए, लेकिन उसमें सामंजस्यता मटके की है, उस चीज़ को मान सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक भव्यता का रूप दिखाता है। ये पटना का आनंदपुरी का दुर्गा स्थापना जो स्थल है उस जगह पे। हम लेशानंद, KBC न्यूज़, पटना।